नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया कनौजिया। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, चादर चढ़ाकर देश में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। राज्य सरकार ने दिया जेएलएन हॉस्पिटल को 5 सीपीआर मशीनों का तोहफा, हृदय रोगों को मिलेगा उपचार का फायदा। कानून व्यवस्था को लेकर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक, संभाग के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद, संभाग में चल रहे विकास कार्यक्रमों पर भी हुई चर्चा। और रक्तदान का महत्व समझाने भारत भ्रमण पर निकले किरण वर्मा पहुंचे अजमेर, दरगाह पर अपनी यात्रा की सफलता के लिए मांगी दुआ। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल के पूर्व खिलाड़ी और रेफरी विनीत लोहिया की, जिनका इंटरव्यू दूरदर्शन जयपुर के कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में प्रस्तारित हुआ। विनीत लोहिया अजमेर से ताल्लुक रखते हैं। देखिए कार्यक्रम के कुछ अंश, आपको पूरा कार्यक्रम स्वामी न्यूज के इस बुलेटिन के बाद दिखा सकेंगे। खेल में सबसे पहले तो एक अनुशासन जो जरूरी होता है वो कहीं न कहीं अनुशासन जिंदगी में ऐसा इनबिल्ट हो जाता है कि जब एक बचपन से जो चीज हमने खेलना शुरू किया आज भी वही चीज हमारे अंदर है। आज का जो दिन मैं शुरुआत करता हूँ उसमें भी मैं अपना सबसे पहला एक घंटा अपने व्यायाम को देता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, पूरा व्यायाम करता हूँ, योग करता हूँ। वहां से आप थोड़ा बचपन के बारे में बताएं कि कैसे, क्या परिवेश था उस वक्त, 60s का समय था। हाँ, 1951 की बात। एक परिवार संयुक्त हमारा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बिगोद गांव है, मांडलगढ़ तहसील के अंदर, जहां मेरा जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तुम हॉकी तो छोड़ दिया है, क्यों नहीं आप बास्केटबॉल ज्वाइन करते हो। वो दिन था और आज का दिन है बास्केटबॉल का। जिस दिन हमने उनकी उंगली पकड़ी वो बास्केटबॉल का मैदान था, हमारे गुरु थे, वो यात्रा फिर चलती। तो जैसा कि हम उस वक्त के टीचर की जब बात कर रहे हैं, एक तरफ टीचर वो भी थे जिन्होंने आपको हॉकी के लिए भी कहा, डांट पड़ हुई, और एक तरफ एक टीचर रहे जिन्होंने उंगली पकड़ी कहा बेटा ये खेल आपके लिए है।